सो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कल मंडे है और कल होता है हम लोगों का वीकली टेस्ट करंट अफेयर्स और जीके का, जो मैंने पूरे वीक में करवाया है उसी के क्वेश्चंस कंपाइल करके मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। और जिससे आपको ये टेस्ट करना है कि आपका स्कोर कहाँ, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर चल रही है। आप जितना मैं आपको रेगुलर डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, मैं अगर मिस नहीं कर रहा हूँ एक भी दिन, तो क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, वो आपको ही पता चलेगा और मुझे भी। ठीक है, तो कल जो टेस्ट होगा उसे अटैम्प्ट सभी लोगों को ज़रूर करना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदु खां किससे संबंधित है? उस्ताद बिंदु खां इज रिलेटेड टू विच फील्ड? मृदंग यानी ड्रम, सारंगी, रुद्रवीणा या फिर बांसुरी फ्लूट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें, सारंगी यानी कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें उतना ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, इस वजह से बस इतना याद रखना है कि उस्ताद बिंदु खां इज रिलेटेड टू सारंगी या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, नहीं व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 6 मार्च, 7 अप्रैल, 5 मई या फिर 9 अप्रैल। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने है? हिंडनबर्ग लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, जर्मनी पोलैंड या फिर यूएसए एंड कनाडा। तो मैं अभी एक का बताऊंगा पहले तो इसका आंसर, फिर बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है यानी कि हिंडनबर्ग लाइन है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन है? वो भी रेड क्लिफ लाइन ही है। और इसको याद करना कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए सेम लाइन खींची गई होगी और सेम पर्सन ने लाइन खींची थी जिनका नाम था रेड क्लिफ, और इसी वजह से उन्हीं के नाम पे इस लाइन का नाम पड़ा कि रेड क्लिफ लाइन। और जो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है जो डिमार्केट करती है बाउंड्री को, वो उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा का, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर ये बता देता हूँ, 48th पैरेलल स्टेट बोलते हैं इसको, लेकिन ये दो तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीटेडली आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, ये क्वेश्चन ये है कि प्रथम भारतीय नारी जिन्होंने विश्व के 5 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण किया, यानी तो फर्स्ट इंडियन वीमेन टू असेंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड्स 5 कॉन्टिनेंट्स, यानी जितने भी 5 कॉन्टिनेंट हैं उनके जो हाईएस्ट पीक हैं वहाँ पे हैं। जैसे कि हम बात करें एशिया की, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो वहाँ पर माउंट एकानकागुआ है। तो ऐसे हर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो पीक्स हैं वहाँ पे सबसे पहले इंडियन जो गई हैं वो कौन है? ऑप्शंस हैं आपके प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, बछेंद्र पाल या फिर डिक्की डोलमा। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, हु एस्टैब्लिश द BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसको इग्नोर कीजिए। वैसे इसका अगर हम बात करें आंसर की कि बुल फाइटिंग इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, तो उसका आंसर स्पेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? ये क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूँ, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर कमेंट में लिखें। ऑप्शन है आपके बाण भट्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक हैं यानी ऑथर हैं ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ कितने की दूरी क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द रनिंग डिस्टेंस ऑफ अ मैराथन, यानी कि कितने माइल्स की होती है? ऑप्शन हैं आपके 22 माइल्स, 380। आप देख लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा इन सारे ऑप्शंस को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई देखने को मिलेगा जहाँ से आप तो डिस्टेंस पूछेगा किसी रनिंग इवेंट की, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस माइल्स और यार्ड्स में ही मिलेंगे, किलोमीटर्स में नहीं जनरली मिलते हैं ऑप्शंस, ठीक है, माइल्स में ही मिलते हैं। कॉमेंट में आप मुझे बताएंगे सभी लोग कि 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है, फिर भी हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
26 माइल्स 385 यार्ड्स की होती है एक मैराथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8th नंबर की ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ये क्वेश्चन इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऑप्शन हैं आपके, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अच्छा अब ईवीएम को रिप्लेस किया जा रहा है वीवीपैट से, आपने सुना होगा वीवीपैट के बारे में, तो क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले बार ही शायद, मुझे पक्का याद नहीं कि नेवी में आया था कि एयरफोर्स में, लेकिन आया था ये, नासा का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा। तो प्लीज़ इसे रट लीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन को अगर बोलता हूँ कि इसको रट लीजिए, तो वीडियो पॉज कीजिए और अभी के अभी उसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया है तो मतलब कि फिर तो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो नासा के यहाँ पर फुल फॉर्म आप देख लो, आपके ऑप्शन है, पहला तो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, तीसरा है नॉर्दर्न एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी, और चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और सिमिलरली ये जैसे आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये एक यूएसए का स्पेस एजेंसी है, सिमिलरली हमारा एक इंडिया का स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बाकी देशों के भी होते हैं, जैसे कि फ्रांस का सी एन ई एक्स होता है, और जापान का जक्सा होता है, और यूरोप का ईएक्सए होता है, ईएसए। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नहीं वेयर इज़ द लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, और अब मैंने आपको, अगर याद होगा, फॉलो कर रहे होगे डेली वीडियोस को, तो मैंने दो पासेस के नाम बताया, मैंने कल बताया कि नहीं, दोनों टाइम सुबह भी बताया था, क्वेश्चन किया था एक ऐसा, और इवनिंग में भी किया था, कल नहीं सॉरी परसों बताया था शायद मैंने। तो सिक्किम में मैंने दो पास आपको बताए थे, एक तो था नाथुला पास और दूसरा था जेलेपला पास। ठीक है, ये दो पासेस आपको पता होने चाहिए। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मैं वही कोशिश करता हूँ बताऊँ जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ताकि आपका रिविज़न भी होता चले, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप देखो तो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे इस सीरीज़ को, बहुत कुछ आपका लेवल अप हो गया होगा। अगर आप ज़ीरो लेवल पर थे तो आप अभी इस समय ये बोल सकते हो कि 100 लेवल पे नहीं तो 50 पार कर गए होगे, अगर आप डेली फॉलो कर रहे होगे और रिवीजन भी साथ साथ कर रहे होगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपका कवर करवा दिया है। बस अगर आप डेली फॉलो करते रहे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो बस आपको डेली फॉलो करना एटलीस्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि जीके के खत्म हो चुके हैं 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फिर चाइना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। तो जो रिस्क इंडेक्स है उसमें चाइना ने टॉप किया है, यानी चाइना को इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, जिस हिसाब से अभी उसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से वो बाकी देशों पे एक तरह से, अब उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब कोविड-19 पैंडमिक हो गया, यूएसए के साथ रिलेशंस हो गए, इंडिया के साथ रिलेशंस हो गए, ये सभी के चलते रिस्क इंडेक्स में उसको टॉप स्थान मिला। टॉप स्थान मिला इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि बहुत रिस्क है उसको, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ओसाका रपोंडा किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। रिसेंटली ओसाका रपोंडा बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हर जगह बनते ही रहते हैं और वो आते भी हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप कहीं पे पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि पहली बार कोई ट्रांसजेंडर बना, पहली बार कोई फीमेल बनी, तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ऑप्शन है पोलैंड, न्यूजीलैंड, सूरीनाम, फिर गैबॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैबॉन। गैबॉन एक अफ्रीकन कंट्री है और वहीं की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसको भी आपको रट लेना है एकदम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, यानी रिसेंटली इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद होम टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ऑप्शन है आपके सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और अमेरिका।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, अमेरिका। अमेरिका ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर सके, जैसे कि ईरान पे तो से खैर अभी डिपेंडेंट है ही नहीं बिल्कुल, उस पे तो सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे, और ईरान से अब हम भी यानी कि इंडिया भी ऑयल इम्पोर्ट नहीं करता अभी, आपको पता होगा। और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यूएसए नहीं तो सैंक्शंस लगा देगा, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी अब यूएसए जो है उतना पेट्रोलियम का कनेक्शन रखना नहीं चाहता है, इसी वजह से वो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है अपने खुद डेवलप कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की? ने रिसेंटली वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी। हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, फिर नन ऑफ दीज। तो वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, उससे एनर्जी जनरेट करना, उसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी। अब ये जो पहल है किसने चालू की है, ये चालू की है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड 16th, 17th, 18th, फिर 19th जुलाई। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 18th ऑफ जुलाई। 18th ऑफ जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, और ये आपको पता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला आपको उम्मीद करता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे इंडिया के लिए, वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला थे। अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसका आंसर देना, फिर हम लोग जो कल क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से वो उसका आंसर देंगे, देखेंगे कि क्या सही आंसर है उसका। आप आज के क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ स्मृति फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? MP, UP, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? इसका आंसर अब सभी लोग कॉमेंट में लिखें। क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? नहीं, वेयर हैज़ KVIC ओपन इट्स फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर? भोपाल, कानपुर, दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज। तो जिन लोगों ने भोपाल आंसर दिया था गलत है आंसर आपका, जिन लोगों ने कानपुर दिया था सॉरी ये भी आंसर गलत है, आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो जिन लोगों ने दिल्ली लगाया था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही निकला। अब आज का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट में, फिर देखते हैं सही निकला है फिर नहीं, कल देखेंगे। और कल आप लोगों का टेस्ट भी है, उसको उस पर आपको ज़रूर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए इसको। धन्यवाद।